प्रिय विद्यार्थियों, RCHR बानसुर की ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स में आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रकाश विद्युत धारा पर प्रकाश की तीव्रता का प्रभाव, कि प्रकाश धारा पर प्रकाश की तीव्रता किस तरह से प्रभाव डालती है। तो हम इसमें प्रकाश जो आवृत्ति होती है उसको हम नियत रखते हैं। जब हम प्रकाश की आवृत्ति को नियत रखते हुए हम जब ग्राफ बनाते हैं प्रकाश धारा और प्रकाश की तीव्रता के मध्य, तो ग्राफ इस तरह का प्राप्त होता है। ये ग्राफ है प्रकाश विद्युत धारा और प्रकाश की तीव्रता के मध्य। तो ये जो ग्राफ है वो ग्राफ में इस तरह से एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, यानी जब प्रकाश की आवृत्ति को नियत रखते हुए प्रकाश विद्युत धारा और प्रकाश की तीव्रता में जब ग्राफ बनाया जाता है तो ग्राफ एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। इससे स्पष्ट होता है कि प्रकाश विद्युत धारा तीव्रता के समानुपाती होती है। जब हम कैथोड और एनोड के मध्य प्रकाश की जो तीव्रता है, हम तीव्रता का जो मान बढ़ाते हैं, तीव्रता के मान वृद्धि करते हैं, तो तीव्रता के मान वृद्धि करने से प्रकाश धारा के मान में वृद्धि हो जाती है। ये दोनों आपस में समानुपाती होती है। और ये जो प्रकाश, लेकिन इसमें ये ध्यान रखेंगे जो आवृत्ति होती है वो प्रकाश की जो आवृत्ति है उस प्रकाश की आवृत्ति को यहाँ पे नियत रखा जाता है, यानी आवृत्ति इस पे नियत होती है, ये ध्यान रखेंगे। तो हम नियत आवृत्ति पर जब हम प्रकाश से जो तीव्रता है जब उसमें वृद्धि करते हैं, उसका मान बढ़ाते हैं, तो वैसे प्रकाश धारा के मान वृद्धि होती रहती है। आर्म में एक ऐसा ग्राफ प्राप्त होता है जिस स्पष्ट होता है कि तीव्रता धारा के समानुपाती होती है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।